हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है क्या 19 जनवरी, और फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुके हैं और अभी तक हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं आपका, चाहे फिर वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले दो पार्ट को नहीं देखा तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सेक्शन मिलेगा क्या एमपी ग्रेड 3 बाल विकास। आपको उस पर क्लिक करना है, आपको वो सारे पार्ट वहां पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष स्लाइड लग गई है क्वेश्चंस की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके सभी मित्रगणों की हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो आती है पसंद तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने दोस्तों, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, रीजन शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों क्या है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो आंसर होगा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो दोस्तों कौन सा है, स्नायु मंडल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है। इसी प्रकार से हमारा अगला फ्रेंड्स दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या है, आकार, सोच, समाज और कौशल में वृद्धि। इसका आंसर जी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिग व हेट ब्लैंक की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है तो दोस्तों कब, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, किस में होते हैं दोस्तों, विकास की दर में। नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको आंसर करना है क्या, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह विचार दिया था निरंतरता का सिद्धांत, है ना। चलिए नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है तो दोस्तों किस पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, क्या होगा आंसर, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों आपने अभी तक देखा होगा है, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टेक कर लें, 3 स्टार लगा लें क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, कथन असत्य है, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, क्या है दोस्तों, शारीरिक विकास की। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का संबंध नहीं है दोस्तों किससे, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। नेक्स्ट है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या दोस्तों, लालच। जी हाँ फ्रेंड्स, लालच नहीं दिया जाना चाहिए आप लोगों को, कई चीजें पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, कुछ नहीं दिया जाना चाहिए या फिर लालच नहीं देना चाहिए, कुछ भी ऐसे करके वहां पर ऑप्शन आप लोगों के सामने रख दिए जाते हैं, तो आपको ऐसे टिक करना रहेगा लालच। नेक्स्ट है
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है कब? प्रौढ़ावस्था में। जी हाँ दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिगम को। मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, क्या आंसर होगा? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। दोस्तों आंसर हो जाएगा समायोजन की समस्या किशोरावस्था में रहती है सबसे प्रमुख। नेक्स्ट है संवेदना या संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किसने बोला? मानसिक विकास के लिए। किसके लिए है दोस्तों? मानसिक विकास के लिए। नेक्स्ट है कथन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, किसने बोला था दोस्तों? या किसका कथन है? ई ए किलपैट्रिक का। जी हाँ दोस्तों, बार बार रिपीट होता है जे वाला क्वेश्चन भी, इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? नैतिकता का ज्ञान होना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार संगनात्मक विकास की अवस्था है कितनी है दोस्तों? चार। बिल्कुल याद रख लेना, कई बार रिपीट हुआ है, कभी आ जाता है तीन, कभी दो, कभी चार, तो आपको चार करना है। नेक्स्ट है कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की आठ अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो दोस्तों तीन से छह वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संगनात्मक प्रक्रिया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। अगला है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं दोस्तों? धार्मिक वातावरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बालक के भाषा विकास में मुख्यतः योगदान देने वाली संस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिवार। बेहद घुमा घुमा कर कभी बार ऐसे ऐसे घुमा के देते हैं और आंसर होगा आपका परिवार। दोस्तों आप सभी से एक बार फिर बोलना चाहूंगा, वीडियो आती है पसंद तो प्लीज लाइक अवश्य करें, इससे मेरे को मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा बेटर हो। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, ये मैटर तैयारी करने में दिन दिन भर लग जाता है, संग्रह करना क्वेश्चनों का और उसके बाद मैटर को तैयार करना आप लोगों के लिए बिल्कुल दोस्तों, इसलिए आप प्लीज लाइक अवश्य करें वीडियो और अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर में कंजूसी ना करें ताकि आपके सभी मित्रों की हेल्प हो सके। आप लोग आने वाले भविष्य के टीचर हैं दोस्तों, सहयोग की भावना अवश्य होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प जरूर करें, इसलिए शेयर अवश्य करें। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? दोस्तों क्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, क्या विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है? इस अधिनियम के अनुसार क्या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है? नेक्स्ट है बाल विकास का सही क्रम है। दोस्तों मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी टिक कर लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या बालावस्था का सही क्रम पूछा जा सकता है? तो क्या होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आप लोगों को दे दिया जाएगा किशोरावस्था या फिर बालावस्था ना दे के प्रौढ़ावस्था, ऐसा कुछ आगे पीछे बिल्कुल कर देते हैं। नेक्स्ट है विकास शुरू होता है कब? पूर्व बालावस्था से। नेक्स्ट है बालावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है क्या है? बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो दोस्तों आपको बताना है वृद्धि और विकास में संबंध बताना है, आंसर हो जाएगा आपका एक दूसरे के जे पूरक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है किससे है दोस्तों? विकास से। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है क्या है? समानता का नियम। अगला है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की अवधि है कब है? 1912 से लेके 19 वर्ष तक। नेक्स्ट है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक। नेक्स्ट है, वृद्धि का संबंध किससे है? तो दोस्तों आकार व भार से वृद्धि का संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, जिस सिद्धांत है। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है क्या? शारीरिक, संगठनात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। जे सारे मानव विकास के क्षेत्र है जिनको विभाजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट दोस्तों, क्या कि कोहबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो क्या है दोस्तों? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आपको इसका आंसर टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों हरलॉक का यह कथन है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है क्या है? दोस्तों सामाजिकरण। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं कौन है दोस्तों? स्टैनली हॉल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों की अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? शरीर तथा मन संबंधी। अगला है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन? जीन प्याजे। दोस्तों इनकी परिभाषाएं बेहद ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इनसे संबंधित फैक्ट भी अवश्य याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या रीजन है? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वनलाइनर फॉर्म में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन माइंड में बेहद अच्छे तरीके से फिट होते हैं। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक चोट वहाँ पर आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा और आप भूल जाएंगे, बट यदि आप वनलाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके माइंड में बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है। इससे हम सारे चैप्टर भी कवर कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, और यह पढ़ने का बेहद अच्छा तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। अगला है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो दोस्तों 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब की टॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। जी हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। अगला डिस्कस करते हैं कि किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, सुरक्षा, कोच ऐसे वगैरह वगैरह आपको वहां पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप यहां पर याद रखें प्रक्षेपण। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में चरित्रता निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? अब आपको बताना है क्या दोस्तों? चरित्र के निर्माण से जो अवस्था संबंधित है उसका आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले, जो कि है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है क्या है? आत्म गौरव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कहने के लिए तो ये सब्जेक्ट बेहद इजी है, बट इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आंसर आपके गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि मिलते जुलते से कॉमन से आप लोगों को विकल्प दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है,
नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका पारंपरिक। अगला है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था। इन्होंने मटर के ऊपर भी प्रयोग किया था, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर हो जाएगा लंबाई और आपका वजन। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चढ़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? परिवार। इसका आंसर हो जाएगा परिवार, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। तो दोस्तों क्या आदत होगी? वो भावना संबंधी आदत। इसी प्रकार से अगला है, पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्या है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने या फिर निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायक की है? तो दोस्तों पियाजी। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है? तो दोस्तों यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।